हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रविकांत एंड आई बिलोंग टू हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। आई वेलकम यू ऑल इन दिस माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, फॉक्सवैगन डिसअपॉइंटेड कस्टमर। नॉट बिकॉज आई हेट दिस ब्रांड, बट व्हाई आई एम डिसअपॉइंटेड विद दिस फॉक्सवैगन, लेट अस डिस्कस इन दिस वीडियो। होप यू विल वॉच इट टिल द एंड। सो फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू होती है कि आई एम ऑल्सो वेरी कॉमन कार कस्टमर लाइक यू एंड फ्रॉम लास्ट टू ईयर आई पुट माई एफर्ट टू सर्च फॉर ए न्यू कार एंड आई हैव डिसाइडेड टू बाई ए कार। देन आई एंड अप विद दिस फॉक्सवैगन MU। विदाउट सेकेंड थाट आई स्टिल लव दिस कार, बट फिर भी इन वॉट वे आई एम डिसअपॉइंटेड, लेट अस डिस्कस। सो फ्रेंड्स, एज यू नो, भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा कार मैन्युफैक्चर बन चुका है और आई थिंक US और चाइना के बाद वी आर द थर्ड इन द लिस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग द व्हीकल्स, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। पिछले कुछ सालों में कार बाजार में जिस तरह से बूम देखने को मिला है, एस्पेशली आफ्टर द COVID-19, लॉट ऑफ पीपल हैव डिसाइडेड टू बाई देयर ओन व्हीकल और बहुत सारे कार निर्माताओं ने भी बहुत सारी गाड़ियों को लॉन्च किया। पर इन सब के बीच में हमने बहुत अच्छी कार निर्माता कंपनियों को भारत से अलविदा होते हुए भी देखा, विच इज़ ऑल्सो ए वेरी डिसअपॉइंटेड थिंग। फ्रेंड्स, यू नो, फ्रॉम 2017 टू टिल डेट वी हैव लॉस्ट 5 to 6 कार कंपनीज। क्या वजह रही इन गाड़ियों का भारत को क्विट करने की, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टिक टू द टॉपिक जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। आफ्टर माई 2 ईयर सर्च, व्हाट आई फाउंड कि यदि आपको ऐसी कार चाहिए जो आपको सेफ्टी, रिलायबिलिटी और अच्छे ड्राइविंग डायनमिक्स दे, तो हमारे पास कुछ ही ऑप्शन रह गए हैं मार्केट में। और यदि मैं अपनी बात करूं, देन माय कार बजट वाज अराउंड 8 to 9 lakhs एंड और यदि आपको अच्छे ब्रांड्स की गाड़ियां खरीदनी हैं तो यू हैव टू थिंक बियॉन्ड योर पॉकेट। सो आई एंड अप माय जर्नी एंड अपना रिसर्च कंप्लीट करने के बाद देन आई डिसाइडेड कि फोर्ड, फॉक्सवैगन, स्कोडा और टाटा, इन ब्रांड में से गाड़ियों को खरीदा जाएगा। बट जैसे हमने डिसाइड किया कि फोर्ड कंपनी की एक लीजेंडरी हैचबैक फिगो को बाय किया जाएगा, जो कि मार्केट में पिछले 10 साल से बनी हुई है, सो देन वी गॉट ए न्यूज़ कि फोर्ड अपना इंडिया से पैकअप करने वाली है एंड नो बडी इज़ गोइंग टू टेक ए रिस्क, एस्पेशली आई डोंट वांट टू टेक ए रिस्क आफ्टर देयर आफ्टर सेल सर्विसेज एंड देयर पार्ट्स एंड ऑल दैट। सो वहाँ से अपने मन को ड्रॉ करना पड़ा। एंड सेम विद द फॉक्सवैगन की पोलो। पोलो मैं कहूँगा कि एक ऐसी लेजेंडरी कार जिसका एक अलग ही फैन बेस है, एक अलग ही हिस्ट्री है और जिसके कल्ट फैन आज तक उस गाड़ी की रिटर्न की आस लगाए हुए हैं, स्पेशली मी ऑल्सो 2 ईयर्स बैक। बट डिसअपॉइंटेडली फॉक्सवैगन वालों ने भी उस कार को डिसकंटिन्यू कर दिया। कुछ रीज़न रहा होगा, मे बी जो इनका 2.0 प्रोजेक्ट के बाद आई थिंक टाइगून की सेल को बचाने के लिए दे हैव डिसकंटिन्यू दिस लेजेंडरी कार। या बट फ्रॉम कॉम्पैक्ट SUV एंड सेडान सेगमेंट, फॉक्सवैगन ने जिस तरह से रिटर्न किया है, बहुत अच्छी कार्स को लॉन्च किया है। उनकी प्रोजेक्ट 2.0 में जिस तरह से गाड़ियों ने 5 स्टार निकाले हैं और बहुत अच्छे सेल्स फिगर निकाले हैं, क्वाइट अप्रिशिएट। बट कस्टमर लाइक मी, जिनका बजट 10 लाख से नीचे है और विच वॉन्ट टू बाई फॉर ए न्यू कार, तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका 10 लाख से नीचे सेगमेंट में अभी कोई गाड़ी नहीं है और 10 लाख के बाद उनका बेस मॉडल ही 11.5 और 12 लाख तक शुरू होता है और आई थिंक ऑन रोड 13 लाख तक आपको बेस मॉडल या उससे ऊपर का मॉडल मिलेगा। सो कस्टमर लाइक मी, नई गाड़ी लेने के लिए उसको 2 बार सोचना पड़ेगा। बट फॉक्सवैगन ने अपने वो प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू किया जो कि मार्केट में बहुत स्टेबल था और जिसके आई थिंक सेल फिगर भी बहुत अच्छे थे। और आज भी आप यूट्यूब का कोई भी वीडियो उठा के देखेंगे जिसमें कि पोलो के बारे में जिक्र हो रहा है कि डिसकंटिन्यू हो गई ये वो एंड ऑल दैट, तो कमेंट सेक्शन में यू विल सी कि आई थिंक ये फॉक्सवैगन वाले भी जानते हैं कि कमेंट सेक्शन में आप पाएंगे कि स्टिल पीपल आर कमेंटिंग लाइक कि ब्रिंग बैक पोलो, पोलो कब आएगी, कब आनी है। तो इस तरह जो सेगमेंट आपने खाली किया है, आई थिंक ये स्पेस फिल करना बहुत ज़रूरी है 10 लाख के अंडर का, चाहे वो कॉम्पैक्ट हैचबैक है या कॉम्पैक्ट सेडान है। तो दिस नीड टू बी
मस्ट बी फिल्ड बाय फॉक्सवैगन आई थिंक। इसके अलावा हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास फोर्ड नहीं है, हमारे पास शेवले नहीं है, हमारे पास फियाट नहीं है। फियाट के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में थे, भारतीय बाज़ार में थे, और फियाट जिसने अपने ना जाने मारुति सुजुकी और टाटा जैसी कार्स को इंजन्स देके उनको सक्सेस बनाया। तो उसके बाद हमारे पास बचते हैं एक कार की लिस्ट जिसके 50 प्लस और 100 प्लस फीचर्स हैं। सनरूफ है, एडैज है, हालांकि एडैज उस तरह की नई टेक्नोलॉजी है, बट बहुत सारी फीचर्स की लिस्ट वाली कार्स बचती हैं। और इस तरह से रिलायबल और सेफ और अच्छे ड्राइविंग डायनमिक्स वाली कार को ख़रीदने के लिए आइदर यू हैव टू पे अलॉट और द कस्टमर लाइक मी जिनका बजट इस तरह से टाइट है वो आई थिंक एस्पेशली मेरे साथ तो ऐसा केस हुआ कि आई हैव टू बाई सेफ एंड रिलायबल कार और बजट के हिसाब से आई लाइक दिस कार जिसे मैंने परचेज़ किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस कंटेंट, यू लाइक दिस वीडियो। एक और अनदर वीडियो लेके आएंगे फ्यूचर में, और भी वीडियो लेके आएंगे यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा, और आई थिंक आप इस वीडियो को भी काफ़ी लाइक करेंगे। और अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।